वेलकम टू माय चैनल लिवी रॉक्स टीम्स। नॉर्वेजियन लीग का मैच हो रहा है एचएयू वर्सेस वीआईके के बीच 2 घंटे 22 मिनट के बाद। तो बात करें मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। तो आज मैंने आपसे वादा किया था ओपन टीम देने का, तो रोजनबर्ग की टीम ओपन आएगी, प्लस इसकी वीडियो भी देख लेना, अभी आएगी कुछ देर बाद, वीडियो जरूर देख लेना, फिर आपको ग्रैंड लीग में मदद नहीं मिल पाएगी। ऐसे बात करें रैंकिंग की, तो ध्यान से सुन लो, देखो फेवर की बात आती है तो यहाँ पे ना बहुत मेन प्रॉब्लम चल रही है। यहाँ पे लोग समझ रहे हैं कि विकिंग टीम फॉर्म में नहीं है और बेकार है, लेकिन भाई इस गलत फहमी मत रहो, विकिंग टीम हर सीज़न एचएयू से ऊपर रही है और टॉप 5 के अंदर रहती है, और अभी भी ये टीम टॉप 3 के अंदर। तो सबसे पहले बात करें मतलब फेवर की, तो मैं तो वीआईके को फेवर करूंगा, लिटिल बिट फेवर करूंगा। सबसे पहले हम बात करें गोल कीपर की, यहाँ पे लूंगा एगिल को। एगिल सेल्विक पिछले मैच में रोजनबर्ग के खिलाफ 4 गोल सेव करके गया था और इसने 3 गोल कंसीडेड भी करवा दिए थे, जिस कारण पॉइंट बहुत कम थे। लेकिन जिस भी बंदे ने इस मैच के अंदर जीएल जीती होगी 26 मई को, जिस बंदे ने भी, मेरे को नहीं पता किसने जीती, लेकिन जिसने भी जीएल जीती होगी उसकी जीएल टीम में ये प्लेयर ज़रूर होगा, क्योंकि इसका मेन रोल था भाई, मेन रोल था। भले 20 पॉइंट दिए तब भी मैं कहूँगा इस प्लेयर का मेन रोल था। आगे से अगर मैं बात करूं ब्रेकेलो की, देन यहां पर है डेविड ब्रेकेलो अपनी टीम का मेन प्लेयर है। कई लोग सोचेंगे कि मैं विकिंग को इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है यार, जो सच है ना वो है, पता चले आप विकिंग को फेवर ना करो और विकिंग टीम जीत जाए, फिर खुद ही पछताओगे कि हमें अंदर से मालूम था फिर भी हमने रिस्क नहीं लिया। एंड आगे से अगर बात करूँ एक प्लेयर है सौंद्रे बजोर्शल, बिल्कुल ठीक था पिछले मैच में भी, सब्स्टिट्यूशन पे आया और कितना अनलकी था कि इसको येलो कार्ड मिल गया आते ही। अब प्लेइंग 11 में जब तक प्लेयर को लाओगे नहीं यार, वो दबाव में ही रहेगा। प्लेइंग 11 में कब एंट्री मिलेगी ये तो मैं नहीं जानता, बस मैं इतना जानता हूँ कि अगर आज ये खेलता है तो मेरी टीम में ज़रूर रहने वाला है। एंड आगे से अगर बात करें एचएयू के प्लेयर की, वो है एंडर्स बार्टलसन, जो कि नॉर्मल सा प्लेयर है एंडर्स, और पिछले मैच के अंदर ये 90 मिनट मतलब पूरा खेल के गया था, जबकि 3 गोल्स कंसीडेड हुए थे सामने वाली टीम के, जैसे मैंने आपको बताया। तो एचएयू टीम फ्लॉप थी और मुझे तो लग रहा है आज भी फ्लॉप जाएगी, बाकी देखते हैं। आगे से बात करें नेक्स्ट प्लेयर की, यहाँ पर है जियानिस चेंसन। इस प्लेयर ने पिछले मैच के अंदर बिना कुछ करे, बिना एनी गोल, विदाउट एनी असिस्ट, ना कोई शॉट ऑन टारगेट और ना ही क्लीन शीट के बावजूद भी 42 पॉइंट दे दिए। इसे कहते हैं भाई पॉइंट देना एक अच्छे, मतलब टैकल इंस्क्रिप्शन में इतना दम रखो कि पॉइंट 40+ हो जाए एक डिफेंडर के। एंड आगे से अगर मैं बात करूं, एक प्लेयर है इनका क्रिस्टोस जेफ्रिस, ये ना कभी कभी चलता है, आप कभी कभी देखना जेफ्रिस का दिन होता है, कभी कभी 2-3 असिस्ट कर देगा, कभी 2 गोल कर देगा अचानक, मतलब पता भी नहीं चलेगा, इसलिए प्लेयर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड के मार्टिन्स की अगर मैं बात करूं, केविन मार्टिन क्रिगार्ड पिछले मैच के अंदर रोजनबर्ग के खिलाफ नॉर्मल खेल के गया था, जिसमें मतलब इंस्क्रिप्शंस किए थे, करने नहीं चाहिए थे क्योंकि ये एक मिडफील्डर है, अपने काम करना, जो कि इन द सेंस मैं कह रहा हूँ कि अपना आराम से गोल वगैरह पे ध्यान दे, वही ठीक है। एंड आगे से अगर बात करूँ हैरल्ड की, हैरल्ड टेंगन को भाई ले लेना, ये अनएक्सपेक्टेड गोल के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है। कई बार टीम फंसी हुई टीम को इसने जीत की तरफ निकाला है, मतलब जब गोल की ज़रूरत होती है तब तब इसने अपनी टीम को गोल दिया है, ठीक है। एंड कुछ एक प्लेयर हैं, एक ये ऊपर से एक प्लेयर है, इसका नाम है जेल्टेको, देखो ये खेलेगा तो मैं नहीं ले पाऊंगा, लेकिन आप जीएल में ले सकते हो। बाकी सैंडबर्ग नहीं आ रहा, कुछ प्लेयर्स हैं जो हमारी टीम में नहीं, अब सैंडबर्ग नहीं है, अब मैं तो उसमें कुछ नहीं कर सकता यार, क्योंकि ऑप्शन, अब मैं अगर उसको लेता हूँ तो मुझे आगे से टीम में बदलाव, फिर मेरे को यहाँ से ही छोड़ना पड़ेगा और भी क्रेडिट मेंटेन करने होंगे, अब वो है मुश्किल बात, तो अभी थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है। बाकी अभी तो सैंडबर्ग नहीं आ रहा और आगे भी कोई खास प्लेयर है नहीं, अब ये छोटे मोटे प्लेयर्स, अब एक प्लेयर है पीटर, अब मानता हूँ इसने भी गोल किए थे, अब आप हर किसी को तो ले नहीं लेंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं तो सेटिस्फाई रहना ही है। आगे से अगर मैं बात करूँ वी बैरिशा की, अब सुन लो ध्यान से, वेटन बैरिशा ने पिछले मैच के अंदर किया था असिस्ट, लेकिन एच के टीम ने कर दिए थे 3 गोल, तो इनकी बच गई बैंड, तो इसकी असिस्ट की भी कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन आज के मैच में इस प्लेयर के लिए बहुत बड़ी वैल्यू है। आपने एक चीज़ देखी, जब एक प्लेयर फ्लॉप होता है उसके क्रेडिट डाउन होते हैं, इस बंदे के क्रेडिट बढ़ गए, पहले 10 क्रेडिट था, 10.5 क्रेडिट का हुआ है, क्योंकि सबको पता है कैसा परफॉर्म करता है ये। वीआईकी के तरफ से फर्स्ट नंबर पे हाईएस्ट गोल करने का प्लेयर है ये वी बैरिशा। एंड एक प्लेयर है सेबेस्टियन, अब यहाँ पर मुश्किल बहुत आनी है, मेरे को भी बहुत मुश्किल आनी है, इधर क्या मुश्किल है, सेबेस्टियन लें या फिर ऊपर से एक प्लेयर है अलेक्जेंडर, इसको लें, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पिछले मैच में ये मेरा वाइस कैप्टन था और इसकी सिलेक्शन थी 20% आई थिंक 24% देख लो, तो हम बहुत अच्छा जीते थे, लेकिन आज वही प्लेयर मेरी टीम में नहीं है, मेरे को पता है, मेरे को फीलिंग्स आ रही हैं गलत मलत की हार ना जाऊं, क्योंकि यार सेबेस्टियन और अलेक्जेंडर में एक प्लेयर आएगा, अब कंफ्यूज इतना हूं कि अगर सेबेस्टियन छोड़ता हूं तो सेबेस्टियन के गोल के भी चांस हैं, ऊपर से अगर सेबेस्टियन ले लेता हूं और गोल नहीं करता तो मेरे हारने के चांस हो जाएंगे,
और अगर एक तरफ मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर गाइस मैं इसे ले लेता हूँ और फिर सेबेस्टियन गोल कर देता है तो मुझे पता, फिर मैं अपने आप पे पछताऊंगा कि मेरे को पता था मैंने लिया क्यों नहीं। तो मैं आपको एक ना राय दे देता हूँ। देखो नेदोर पेनल्टी टेकर है, ठीक है, वी बैरिशा पेनल्टी टेकर है, दोनों अपनी टीम के स्ट्राइकर हैं, हाईएस्ट गोल कर रखे हैं, ठीक है, इन दोनों को तो लेते हैं। अब बात रही इनकी, देखो अब मैं आप पे छोड़ता हूँ, अगर आप रिस्क लेते हो, अगर आप बेधड़क रिस्क लेने वाले आदमी हो तो आपने चुपचाप आपने चुपचाप सेबेस्टियन को ले लेना है और इस टीम के साथ चले जाना है जिसमें मेरा कैप्टन है बैरिशा, वाइस कैप्टन है नेदोर। और अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आपने कुछ नहीं करना, इसकी जगह सॉदरलैंड को लेना है और यहाँ सर आप एक के मार्टिन्स की जगह के काबरन वगैरह ले सकते हो, बाकी इतना चेंज नहीं भी करोगे चलेगा। ये मेरी सेकंड टीम है, ये सेफ टीम है, पिछली रिस्की थी, बस ये आप पे डिपेंड है आपने क्या करना है। मैं राय दूंगा अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, डरते हो, मतलब डरता है, डरने की बात नहीं, अगर मन में है तो मत, फिर इस टीम के साथ चले जाओ, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।